चुनावी महाभारत को जीतने के लिए भाजपा ने अपने योद्धाओं को कुरुक्षेत्र में उतारना शुरू कर दिया है। इसी श्रृंखला में भाजपा ने अपनी पहली प्रत्याशी लिस्ट जारी करते हुए 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि बनारस सीट से पीएम मोदी पितामह भीष्म बनकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी को खारिज करते हुए भाजपा ने कई सांसदों को पुनः जीत कराने की जिम्मेदारी दी है। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आगरा की सुरक्षित सीट से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर, मथुरा से अभिनेत्री हेमा मालिनी और अमेठी से स्मृति रानी सहित 51 प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव 2024 में पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। आगरा की बात करें तो भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ने वालों की लंबी सूची थी। टिकट कटवाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कार्यकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के बलबूते इस बार 400 पार का ऐलान कर दिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चुनावी मैदान में पूरे लश्कर के साथ उतरने के लिए तैयार है, लेकिन राजनीति के विशेषज्ञों की माने तो चुनाव में कब किसकी टिकट कट जाए यह कहा नहीं जा सकता। कई बार देखा गया है कि दूसरी पार्टी को कमजोर करने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत बी फॉर्म मिलने तक किसी भी प्रत्याशी को बदल दिया जाता है। अन्य दलों के प्रत्याशियों और नेताओं को तोड़ने में महारत हासिल प्राप्त कर चुकी भाजपा के विजयरथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों को महाभारत के शूरवीर कर्ण जैसे योद्धाओं को मैदान में उतारना होगा। विपक्षी पार्टियों के सामने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा द्वारा खींची गई लकीर से बड़ी लकीर खींचने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल देखना होगा कि भाजपा द्वारा तैयार किए गए चक्रव्यूह को तोड़ने में विपक्षी पार्टियां या गठबंधन कितना सफल होगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।